दोस्तों, ये छोटा सा गैजेट आपको देखने में एक स्मार्ट वॉच लग रहा होगा, बट एक्चुअल में ये ऐसा डिवाइस है जो एक बहुत ही ऑसम ड्रोन को कंट्रोल कर सकता है, यानी उसका कंट्रोलर है। तो गाइस, कूल गैजेट्स और दिमाग को हिला देने वाले इन्वेंशंस की दुनिया गैजेट जोन में एक बार फिर से है आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज आप देखेंगे दुनिया का सबसे लग्जूरियस फिजेट गैजेट और कुछ कमाल के रोबोट्स जिन्हें देखकर आप यही विश करेंगे कि ये आपके पास भी हो। तो वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक और नोटिफिकेशंस को ऑल पर जरूर से सेट कर लीजिए और फिर बैठ जाइए रिलैक्स होकर और मजा लीजिए इस अमेजिंग सफर का। तो दोस्तों, आज शुरुआत करेंगे डोकी वॉच से। तो बात करें स्मार्ट वॉचेस की, तो उसमें आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट हर एक वॉच में हमें किसी ना किसी फीचर में कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ जाता है, लेकिन डोकी वॉच अपने आप में बेहद खास और यूनिक है। फिर बात चाहे इसके लुक्स की हो या फिर एडवांस्ड फीचर्स की, वैसे किड्स और टीनेजर्स के लिए ये वॉच बिल्कुल ही परफेक्ट है, क्योंकि आप भी नॉर्मल स्मार्ट वॉचेस के ट्रेडिशनल लुक से बोर हो चुके होंगे। बट जैसा कि आप देख सकते हैं, इस स्मार्ट वॉच का एक फंकी टाइप का लुक होता है। इसमें आपको वॉइस कॉलिंग से लेकर वीडियो कॉलिंग तक के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और कॉल्स की क्वालिटी बहुत ही ऑसम मिलेगी नॉर्मल स्मार्ट वॉचेस के कंपैरिजन में। इसके साथ ही इस वॉच में डोकी पेट नाम का एक वर्चुअल पेट भी मौजूद होता है, जो आपको कभी बोर नहीं होने देगा। आप इस वर्चुअल पेट से इंटरैक्ट कर पाएंगे। इसका इंटरफेस काफी सिंपल होने के साथ साथ बहुत ही क्यूट भी लगता है और यही बात इसे दूसरी स्मार्ट वॉचेस से काफी अलग भी बना देती है और थोड़ी सी रेट्रो वाली फीलिंग भी इस वॉच में आ जाती है। इसमें आपको GPS, मैसेजिंग और रिकॉर्डर जैसे बेसिक फंक्शंस के साथ साथ दूसरे हाई एंड फीचर्स तो मिल ही जाएंगे, साथ ही इसमें आपको SOS का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जो कि आपको ज्यादातर स्मार्ट वॉचेस में देखने को नहीं मिलेगा। और इस फीचर से आप इमरजेंसी में अपनी GPS लोकेशन को इंस्टेंटली अपने फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो स्मार्ट वॉचेस की फील्ड में ये वॉच काफी अच्छी चॉइस हो जाती है। अब बात करें इसके प्राइस की, तो इसे आप 2500 रुपीज में फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। डैश एंड डॉट, गाइस आजकल टीनेजर्स को तो छोड़िए, छोटे छोटे बच्चे भी पूरा टाइम फोन में ही लगे रहते हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनके पास कोई दूसरा और इंटरेस्टिंग ऑप्शन ही नहीं होता टाइम पास के लिए। तो ऐसे में अगर आपको रोबोटिक गैजेट्स पसंद हैं, तो एक वर्चुअल फ्रेंड के तौर पर आप यूज कर सकते हैं डैश एंड डॉट को। तो ये बेसिकली दो रोबोट्स का सेट होता है, जिसमें से बड़े साइज वाला है डैश और छोटा वाला है डॉट। ये दोनों ही रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड होते हैं और काफी हद तक एक छोटे से बट इंटेलिजेंट बच्चे की तरह रिएक्ट करते हैं। इन रोबोट्स को आप अपने स्मार्टफोन या फिर टैब से कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें प्रोग्राम करके कमांड्स दे सकते हैं, और प्रोग्रामिंग से मतलब है बहुत ही इजी प्रोग्रामिंग। ये रोबोट्स आपको और आपकी फैमिली मेंबर्स को पहचान सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, साउंड्स और ऑब्जेक्ट्स पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। इसके स्फेरिकल शेप्ड हेड वाले पार्ट में आई जैसा एक पोर्शन होता है, जिसमें व्हाइट कलर की लाइट भी मौजूद होती है और इन्हीं से ये खुद को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं। इवन ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि अगर आप इसे कोई गेम खेलना सिखाएंगे तो ये वो भी खेलना सीख जाएंगे और अगली बार से उसे खुद ही खेलने लगेंगे। तो ओवरऑल अगर आपको चाहिए एक बहुत ही क्यूट सा वर्चुअल फ्रेंड, तो आप डैश एंड डॉट को कंसीडर कर सकते हैं और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन्फिनिटी क्यूब, तो एंटी स्ट्रेस प्रोडक्ट के तौर पर आपने फिजेट स्पिनर्स वगैरह तो काफी यूज किए होंगे, बट अब देखिए इन्फिनिटी क्यूब। वेल गाइस, क्यूब तो ये है ही, बट इसे इन्फिनिटी क्यूब इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप इसे लगभग कैसे भी ब्रेक करके फिजेटिंग कर सकते हैं, यानी इसे चलाने या फिर यूज करने का कोई फिक्स्ड पैटर्न होता ही नहीं है। इसमें मैग्नेट्स का यूज बहुत ही अमेजिंग वे में किया गया है, जिसके चलते ही इसका कहीं से भी ब्रेक हो पाना और वापस से जुड़ जाना पॉसिबल हो पाता है। देखने में ये किसी रूबिक्स क्यूब का ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन लगता है, बट होता उससे काफी अलग है। इसे आप अपने स्ट्रेस को काफी कम कर सकते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी जिन लोगों को है उनके लिए भी ये गैजेट बहुत काम का हो जाता है। तो ओवरऑल गाइज, नॉर्मल फिजेट स्पिनर्स वगैरह के कंपेरिजन में इन्फिनिटी क्यूब एंटी स्ट्रेस गैजेट के तौर पर बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है। लिली, तो गाइज अगर मैं कहूं कि ये गैजेट आज की लिस्ट में सबसे हाईटेक, यूनिक और अमेजिंग है, तो ये गलत नहीं होगा। और ये है लिली ड्रोन, जिसका शेप, साइज, रिमोट, फीचर्स, लगभग हर एक चीज दूसरे ट्रेडिशनल ड्रोन से बिल्कुल ही अलग होती है। इसकी लैंडिंग बहुत ही स्मूथ और इजी होती है और साथ ही इसमें आपको 20 मिनट्स के आसपास का फ्लाइट टाइम मिल जाता है। इसे लॉन्च करने के लिए आपको सिंपली इसे थ्रो करना होगा, यानी इसका कोई स्पेशल प्रोसेस या तरीका नहीं है। इसमें एक फुल HD कैमरा मौजूद होता है, जिससे आप एरियल वीडियो शूट कर सकते हैं।
जहां दूसरे ड्रोन्स में आपको रेक्टेंगुलर शेप देखने को मिलता है, वहीं इस ड्रोन में आपको सर्कुलर शेप देखने को मिल जाएगा। अब बात करें कि इसे कंट्रोल कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको इसका ट्रैकिंग डिवाइस मिल जाएगा जो कि एक वॉच के फॉर्म में होता है और इसका कवर वाटरप्रूफ होता है। इवन ये ड्रोन भी अपने आप में पूरी तरह से वाटरप्रूफ होता है और इसके ट्रैकिंग डिवाइस से आप इस ड्रोन को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है गाइस कि ये फोटोज क्लिक करने और वीडियोस रिकॉर्ड करने के साथ साथ साउंड को भी रिकॉर्ड कर लेता है। तो मिनी ड्रोन्स और एग ड्रोन की ही तरह लिली ड्रोन भी काफी यूनिक है ड्रोन्स की कैटेगरी में। ट्राई स्केल, दोस्तों ये फोल्डेबल फैन जैसा दिखने वाला गैजेट एक्चुअल में होता है एक डिजिटल स्केल जो किचन और दूसरी जगहों पर आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। गाइस बहुत ही स्मॉल वेट्स को मेजर करने के लिए ये एक परफेक्ट डिवाइस है। इसे यूज करने के लिए सिंपली आपको इसे अनफोल्ड करना होगा और फिर इसे ऑन कर देना होगा और मिड में रख देना होगा उस सामान को जिसका वेट आप मेजर करना चाहते हैं। ये स्केल वेट में होने वाले छोटे से छोटे चेंज को डिटेक्ट कर लेता है और करेक्ट रीडिंग अपनी स्क्रीन में शो कर देता है। और यूज कर लेने के बाद आप फिर से इसकी आर्म्स को फोल्ड करके इसे बहुत ही आसानी से सिर्फ थोड़े से ही स्पेस में स्टोर कर सकते हैं। तो चीजों को अंदाजे में यूज करने की बजाय इस स्केल को यूज करके आप बिल्कुल करेक्ट क्वांटिटी में चीजें यूज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं जीरो ब्रीज। तो जैसा कि समर्स आ रहे हैं जिनमें जब तक हम फैन, कूलर और एसी के सामने बैठते हैं और जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहती है तब तक तो ठीक है, बट उसके बाद पसीने से हालत खराब हो जाती है और कहीं बाहर जाते टाइम हम फैन या कूलर तो अपने साथ कैरी कर नहीं सकते, तो इस सिचुएशन में जीरो ब्रीज आपका काम बना देगा। तो गाइस ये एक लाइट वेट और अल्ट्रा पोर्टेबल एयर कंडीशनर होता है जिसे आप बहुत आसानी से अपने साथ कैरी कर सकते हैं और क्योंकि बाहर तो आपको हर जगह इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी नहीं, तो ये बेस्ड होता है एक पावरफुल बैटरी पर और ये इतना पावरफुल होता है कि सिर्फ 10 मिनट्स में ही ये 30 डिग्री फॉरेनहाइट तक टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकता है। इसमें दो आउटलेट्स होते हैं जिन्हें आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं या फिर पाइप वगैरह लगाकर भी यूज कर सकते हैं और ये एयर को ऐसे सर्कुलेट करता है कि किसी भी स्पेस में मौजूद हॉट एयर को ये उस जगह से निकाल कर उसकी जगह ठंडी ठंडी हवा को फिल कर देता है और ये सर्कुलेशन लगातार चलता ही रहता है। तो गर्मियों को देखते हुए ये पोर्टेबल एसी आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। और बात करें इसके प्राइस की, तो इसे आप 3000 रुपीस के आसपास अली एक्सप्रेस से परचेज कर सकते हैं। फोटोन, अगर आप कम एज के किसी बच्चे को एक परफेक्ट गिफ्ट देना चाहते हैं तो मिलिए फोटोन से, जो कि एक एडवांस्ड रोबोटिक पपी है जो क्यूट होने के साथ साथ काफी इंटेलिजेंट भी होता है। इसके नेविगेशन के लिए इसमें दो व्हील्स मौजूद होते हैं और साथ ही मौजूद होता है रेंज सेंसर जिससे ये एक लिमिटेड डिस्टेंस से आगे नहीं जाता है। ये अवेलेबल होता है व्हाइट कलर में और इसमें ऊपर की साइड दो टिप्स मौजूद होती हैं जिनमें एलईडी लाइट्स ग्लो करती हैं अलग अलग कलर्स में और सेम वैसी ही लाइट्स आपको इसकी आईज में भी देखने को मिल जाएंगी। रेंज के साथ साथ इसमें लाइट सेंसर भी मौजूद होता है। ये बहुत ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा बहुत जरूर से इंटरेक्ट कर सकता है बच्चों के साथ और इसे नॉर्मली या फिर स्मार्टफोन के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर आप किसी बच्चे के लिए एक यूनिक गिफ्ट ढूंढ रहे हैं बट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो फोटोन को जरूर से कंसीडर कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस को डाल दीजिए ऑल पर। तो गाइस सेफ रहिए और एंजॉय करिए और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।